क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स की जो रेसिपी है वो हमारी तैयार हो गई है, और आपने देखा है कि मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है, और अब मैं आप उसको दिखाती हूँ उसको। ये देखें, तो ये कि आप ये रमज़ान में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे शौक से खाएंगे। इसमें ना इतनी ज़्यादा मिर्चें हैं, और ये कि बहुत अच्छी बनी है। मैं ट्राई करके बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज बना रही हूँ मैं क्रिस्पी पोटैटो। तो उसके लिए जो है मैंने आधा किलो आलू उबाल लिए थे, और आलूओं को उबालने के बाद इनको अच्छे से मैश करूँगी। आलूओं को जो है ये देखिए मैंने अच्छे से मसल लिया, अभी और भी इसको मसलना है। तो इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच के करीब हरा धनिया, और इसमें डलेगा, तो अब इसमें डालूंगी मैं कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर जो है, यानी कि अगर ये आधा किलो आलू हैं तो इसमें कम से कम 4 तकरीबन 5 चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। इसके साथ साथ ही इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर और नमक। तो इसमें जो मैं अब डालूंगी नमक मैंने तकरीबन ये देखिए इतना ले लिया है, हाँ इससे थोड़ा ज्यादा है। और अब इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इन सब चीजों को। तीन चम्मच के करीब इसमें जो है मैंने ऑयल डाल दिया, और अब ऑयल के साथ जो इसकी मैं अच्छे से गुंदाई करूंगी। पैन जो है गर्म हो चुका है, अब इसमें जो है मैं ऑयल डालूंगी क्योंकि इसको मैंने डीप फ्राई कर रहा है। तकरीबन मैं इसमें 1 कप के करीब ऑयल डालूंगी। तो ये जो डो है ये हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए ना, ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही नरम, बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब मैं बॉले बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। हाथों को जो है थोड़ा सा जो है ऑयली करना है। ऑयली करने के बाद इस तरह आपने छोटी सी बॉल बनानी है। आप ये कि ये रमजानों में भी बना सकते हैं, बच्चे शौक से खाते हैं। ये देख लें, तो पोटैटो बॉल जो है हमारी वो तैयार हो गई, और अब मैं इसको निकालने लगी। क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स जो है वो हमारी तैयार हो गई। क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स की जो रेसिपी है वो हमारी तैयार हो गई है, और आपने देखा है कि मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है, और अब मैं आप उसको दिखाती हूँ उसको। ये देखिए, तो ये कि आप ये रमज़ान में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे शौक से खाएंगे। इसमें ना इतनी ज़्यादा मिर्चें हैं, और ये कि बहुत अच्छी